सभी साथियों का स्वागत। आज हम सब यहाँ महिलाओं के सवालों के बारे में, उनके हकों के बारे में जानने आए हैं। हम गीत गा रहे हैं कि तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आएंगी, लेकिन साथियों, आज़ादी मिलने के लिए ये बंधन समझने, ये बंधन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये बंधन हम में इतने घुस गए हैं कि ये सारे नैसर्गिक नियमों से हमको लगने लगते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत आम बात है कि माँ घर में काम करती है और पिता नौकरी करते हैं। माँ के हाथ के खाना और उसका स्वाद चखने में हम सब इतने घुल जाते हैं कि पिता के हाथ का भी कोई स्वाद हो सकता है ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आता। जब तक हम अपने जीवन में जो पितृसत्ता है, जो बंधन है, उनको समझेंगे नहीं, तब तक ये मुक्ति की लड़ाई आगे कैसे जाएगी। और इसी सोच से इस सम्मेलन का पहला ही सत्र इसी विषय पर आधारित है। यह सत्र है स्त्री पुरुष समानता की ओर बढ़ते कदम, नई चुनौतियां, और इसे हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही है हमारी साथी मनीषा गुप्ते। मैं मनीषा गुप्ते जी को स्टेज पर आने की विनती करती हूँ। मनीषा गुप्ते जी 1970 के दशक के मध्य से भारत में महिला और स्वास्थ्य अधिकार पहले इंट्रोडक्शन मनीषा गुप्ते जी 1970 के दशक के मध्य से भारत में महिला और स्वास्थ्य अधिकार आंदोलनों का हिस्सा रही है। आपने माइक्रोबायोलॉजी तथा समाजशास्त्र का अध्ययन किया है। पितृसत्तात्मक प्रतिष्ठा की अवधारणा और प्रथाएं और किस तरह उनका संबंध जाति, लैंगिकता, हिंसा और महिलाओं के गुलामी के साथ जुड़ता है, इस विषय पर आपकी पीएचडी की थीसिस आधारित थी। महाराष्ट्र राज्य के सूखाग्रस्त ग्रामीण इलाके में 5 साल रहने के बाद आपने 1987 में मासूम नामक एक ग्रामीण महिला संगठन की सह स्थापना की और तभी से उसकी सह संयोजक रही है। आप एशिया प्रशांत क्षेत्र में CEDAW यानी महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर कन्वेंशन से संबंधित क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। मनीषा जी ने पिछले 3 दशकों में भारत के राज्य और केंद्र सरकारों के साथ नीतिगत मुद्दों पर काम किया है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मनीषा जी को अपना व्याख्यान शुरू करने का आह्वान करती हूँ, लेकिन उससे पहले व्याख्यान जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपके अगर कुछ सवाल हो, श्रोताओं के सवाल हो, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो किट दिया था उसमें चिट्ठियाँ है, उस पर आप अपने सवाल लिखकर स्टेज पर दे सकते हैं ताकि हमारे वक्ता उन सवालों को एड्रेस कर सके। मैं मनीषा जी को अपना व्याख्यान शुरू करने की आह्वान करती हूँ। आज इस सम्मेलन में पूरे देश से आए हुए मेरे साथी, आप सबको सलाम, आप सबको जिंदाबाद, आप सबको जय भीम। आज यहाँ पे जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है बहुत बड़ी है, मैं कितना निभा पाऊंगी मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है मेरे पास 35-40 मिनट जो दिए हुए हैं उसमें मैं कोशिश करूंगी कि जो हम इसको चौखट कहते हैं, फ्रेमवर्क समाजवादी स्त्रीवाद का, सोशलिस्ट फेमिनिज्म का, वो मैं रखने की कोशिश करूंगी। तो पहले शुरुआत में ये कहना चाहूंगी कि दोनों लफ्ज़ जो हैं, समाजवाद और स्त्रीवाद तो बहुत पहले से ही बदनाम था। स्त्रीवादी लोग जो होते हैं आके घर तोड़ते हैं, बकायदा हम तो आपका घर टूट रहा है जोरा उसको बचाइए ये कहने जाते थे, लेकिन किलिंग द मैसेंजर ये तो बहुत पहले से रहता है। तो स्त्रीवाद तो है जब से पनपा है, जब से उभरा है, जब से फैला है, ये तो बदनाम है ही।
और अब समाजवादी भी जो है ये गाली हो गई है. राष्ट्रद्रोही तो हम पहले से थे ही, अब इसके साथ में और दो किताब भी मिल गए हैं कि सूडो सेक्युलर है जो भी है, फेमिनिस्ट जो भी फेमिनाजी है. अब नाजी लोग हमको नाजी बोलने लगे हैं लेकिन हम उनके साथ में नहीं बैठेंगे. तो इसलिए ये दो लफ्ज जो हैं इनको अब दोहराना और खड़े आम खुले आम बीच सड़क में कहना कि हाँ हम समाजवादी हैं, हाँ हम स्त्रीवादी हैं, हाँ हम समाजवादी स्त्रीवादी है, जनतांत्रिक लोकतंत्र के प्रेरक और स्त्रीवादी है हम, ये अब कहना बहुत जरूरी है. वरना जैसे फैज कहते हैं कि बोल की लब आजाद है तेरे, तेरी जान अब तक तेरी है, फैज कहते हैं. वो अगर आज हम नहीं खोलेंगे अपनी जुबान को तो ना जुबान और ना जान रहेगी. जान चली जाए तो कोई बात नहीं लेकिन जुबान चली जाए तो बहुत बड़ी बात है. और मुझे लगता है कि नई जुबान, नए से पुरानी जुबान, नई जुबान अब खुलेआम बोलने की है. मराठी मध्ये म्हणे वाघ्या म्हटला तरी खातो, वाघुबा म्हटला तरी खातो, शेर कहा तो भी खाता है, शेर जी कहा तो भी खाता है. तो इसलिए अब इसको जो है खुलेआम कहना कि तुम भक्षक हो लेकिन हम तुम्हारा भक्ष नहीं बनेंगे. अगर हम बने तो कोई बात नहीं, हमारा विचार तुम्हारा भक्ष कभी नहीं बन सकता, यह अब कहना बहुत जरूरी है. दूसरी बात यह कि आज जो पूरे दुनिया भर में जो दुनिया के जितने सारे बड़े बड़े मजहब हैं, ईसाई मजहब हो, इस्लाम हो, हिंदू मजहब हो, बौद्ध मजहब हो या यहूदी जुडेइज्म हो, आज इन सब में हमको जो है वो पिछले कई सदियों तक जाने की कोशिश बहुत जारी है. सऊदी वहां भी इस्लाम कहता है कि यही एक किस्म का इस्लाम है, जबकि हम जानते कि नहीं है उस किस्म का. इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग किस्म के इस्लाम है, बहुत सुंदर सुंदर इस्लाम है. इनके जैसे ना हंसो, ना कुछ करो, ना गीत गाओ, ना कुछ करो, ये सारा झूठा इस्लाम इस दुनिया का इस्लाम नहीं है. सिर्फ उनके पास जो है वो तेल है और इस्लाम के दो सबसे बड़े, क्या बोला जाए, मतलब पूरे सऊद परिवार की क्या लक ही बोलना चाहिए कि दोनों बड़े जो है मक्का मदीना भी उनकी जमीन पर है और इसलिए वो उस तरह से फैला रहे. हिंदुत्व की बात तो हमारे लिए कोई दूर की नहीं है, वो तो यहां पर हम देख ही रहे, यहां पर सारे जो है सारे ही इस से वाकिफ है, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा अभी नहीं दोहराऊंगी, सारे ही जो सत्र है उसमें तो आता ही रहेगा. यहां पर ब्राह्मण्यवादी हिंदू धर्म जो था उसके खिलाफ जो बौद्ध धर्म हुआ वो श्रीलंका में क्या कर रहे हैं, वो म्यांमार में रोहिंग्यास के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कतलेआम पे उतरे हुए यहूदी जो है वो क्या कर रहे हैं. तो ये पूरे इस दुनिया में अगर इस तरह का हो रहा है, धर्मांधता हो रही है, औरतों को पीछे जाके बिठाने की बात हो रही है और औरतों के साथ साथ मर्द कोई आगे तो नहीं रहने वाला. मुझे याद है अफगानिस्तान के बाद में जब सिर्फ लड़कियों के लिए पढ़ाई का हो गया, जरूरी है कि लड़कियां बहुत पीछे रह गई थी तालिबान के समय, पर लड़कियों ने हमसे पूछा और कहा कि आप ही कहते हैं ना कि दो पहिए साथ में चलते हैं, तो तालिबान में लड़कों की भी तो बहुत हो गई ना हालत बुरी, और आज अगर उसके बाद में हमें सिर्फ आगे लेके गए तो ये मर्द कहां से सहेंगे कि लड़कियां आगे जा रही है. तो ये सारी जो बातें हैं, औरतें पीछे जाएंगी तो मर्द कहीं आगे रह नहीं सकते. साथ में ट्रांसजेंडर और बाकी सब लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हमारे पूरे जहन में भी नहीं है. तो ये सारे जेंडर्स कहां पे जाएंगे. तो इस पूरे हालात में और जरूरी होता है कि हम अपना जो है वो समाजवादी स्त्रीवाद जो है वो हम करें. मैं समाजवाद और स्त्रीवाद दोनों जो है उनकी परिभाषा, मेरी औकात नहीं है उनकी परिभाषा करने की, पर मैं बहुत एक दो जो है वाक्यों में उसकी करने की कोशिश करूंगी. लेकिन भारत जो है जिसमें मैं बड़ी हुई, आज मैं 61 साल की हूँ, स्वतंत्रता की छाया में, बहुत ठंडी मीठी छाया में मेरा जन्म हुआ,
पढ़ाई मोर और लेस मुफ्त थी, स्वास्थ्य सेवाओं में चाहे हम लोग कभी जाके बड़े सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में नहीं बैठे, हमारी फैमिली डॉक्टर रहा करते थे मध्यम वर्ग के, लेकिन हमारी सारी जो सारी बुआएं चाचाएं मामा सब लोगों की जो सर्जरीज हुई, शस्त्रक्रियाएं हुई, वो सारी सरकारी अस्पतालों में हुई, क्योंकि उसी में सबसे बेहतर डॉक्टर रहते थे। तो ये हमारे मूलभूत अधिकार नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये नहीं रहे, लेकिन एक सोशल वेलफेयर स्टेट का सपना देखा था स्वतंत्र भारत ने। लेकिन आज ये सोशल वेलफेयर स्टेट कहां पर जा रहा है, तो एक नव उदार मतवादी भांडवलशाही की तरफ, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म की तरफ ये जा रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें शिक्षा महंगी हो जाती है, तो मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन जब इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में 50 लाख डालना है, तो उस वक्त जाके मैं सोचती हूं कि किसके लिए डाले, पितृसत्ता तो है ही पीछे खड़ी, तो फिर वो 50 लाख जो है खाने पीने में नहीं होता, क्योंकि खाना पीना आजकल तो मिल जाता है घर में, या छोटी मोटी पढ़ाई में नहीं होता, लेकिन जब शिक्षा जो है वो 50 लाख की एक करोड़ की हो जाती है, या आप अपोलो हॉस्पिटल के बाहर उसके गेट के सामने आप मर सकते हैं, फिजिकल एक्सेस आपका है लेकिन आपका इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है कि आप उस दीवार के अंदर चले जाए, गेट से आप अंदर चले जाए, तो फिर इसमें सबसे ज्यादा बाहर कौन फेंका जाएगा, तो गरीब फेंका जाएगा, दलित फेंका जाएगा, बाकी सारे जो आर्टिजन्स हैं वो फेंके जाएंगे, आदिवासी फेंका जाएगा, और इसके अंदर जैसे फूले कहते हैं स्त्री शूद्राति शूद्र, सब शूद्रों में शूद्र स्त्री है, ये ज्योतिराव फूले जो कहते हैं, इन सबके घरों के अंदर की जो स्त्री है वो मर्दों से भी पीछे और रही जाएगी। जब ऊपर से दबाव आता है, नौकरियां चली जाती है, तो ऊपर के तबके के मर्द जो है वो बेचारे नीचे आ जाते हैं, वहां की औरतें डिस्प्लेस होके और नीचे जाती है, और जैसे ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाता है उस तरह से औरत घर के अंदर आके पीस मिल काम करती है, उसको ये नहीं पता धागा कौन दे रहा है, सुई कौन दे रहा है, कपड़ा कौन दे रहा है, एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न कौन दे रहा है, और साथ में लेके कौन जा रहा है, तो यूनियन कहां से बनाएगी। जब पीस मिल उसका काम होगा तो वो किसी और के साथ में सहकार से काम कैसे करेगी, उसको जो है वो उतने पीसेस बनाने, उतनी बीड़ी जो है उसको बनानी है, और वो बनाने में अगर कमी होगी तो अपने बच्चों को और खासकर अपनी बेटी को घर पे जरूर रखेगी, बीड़ी बनाने के लिए छोटा गोद में बच्चा होगा जब वो बीड़ी बना रही, उसके उसमें वो सारा जो है वो तंबाकू जा रहा है, या तो फिर दूसरे बच्चों को देखने के लिए बच्ची को घर पे रखा जाएगा। तो ये पूरा जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म जो हो गया है देश भर में, दुनिया भर में, सारे पिसे जाएंगे, और जो पिसे जाएंगे चक्की के सबसे नीचे जो होगी वो वहां की औरत होगी। फिर आई हिंदुत्व की बात, मैंने बताया कि हर दुनिया के मजहब में जो है वो एक मूल तत्ववाद आ गया है। 21वीं सदी की एक खासियत है, 20वीं सदी में हर धर्म को जो है वो नए से इंटरप्रिटेशन, एक नया इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन हो गया। अब 21वीं सदी में उसके साथ में एक स्यूडो साइंस का जमाना आ गया। आप देवी के ऊपर ऐसे कुमकुम डालते हैं तो कुछ औरा सी आ जाती है, आप इधर से खड़े रहते हैं तो ये हो जाता है, वहां फेंगशुई करते हैं तो ये हो जाता है, हर चीज को जो है, आप मेंस्ट्रुएशन जब आपकी होती है, एक क्लिपिंग देखी है मैंने यूट्यूब पे, बड़ी एडुकेटेड सी लड़की है, साड़ी वाड़ी पहन के जो है वो जैसे आईटी सेक्टर वाली लड़की है, और वो 5 मिनट का अध्ययन कर रही है, बोल रही है कि जब आपकी मासिक माहवारी चल रही है तो आप मंदिर में क्यों ना जाए, क्योंकि आप पूरे बहुत लाइट रहते हैं और ये जो खून जो है नीचे जाता है तो आपको ग्रेविटी से आपको नीचे लेके जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कहां से निकले, मुंह से निकले, नाक से निकले, कहां से निकले माहवारी का खून, है तो क्या ऊपर आ जाएगा तो ग्रेविटी बदल जाएगी, पर ये सारी बातें जो है वो डाली जा रही है और वो लोग सुन रहे हैं, और इस बात को जो है वो YouTube में डालने के लायक जो है, तो ये जो नया स्यूडो साइंस है, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, आप जबरदस्ती तालिबान के जैसे आप उनको घर पे तो नहीं, आप मलाला यूसुफजई के जैसे
गोली नहीं मार सकते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपकी लड़कियां पढ़ेंगी भी, आपकी लड़कियां नौकरी भी करने जाएंगी, दूसरे तनखा की लालच भी है, हर चीज है, दहेज भी जो है वो दहेज के साथ में और जिंदगी भर की कमाई भी लाएगी। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उसमें दिखाना कि ये करो लेकिन साथ में जो है ये सारे शादी के जो है कि ना फ्लॉन्ट मैरिज। और मजाक में मैं कभी कहती हूँ कि ये जो है वो ना वो केसीसी के जेनरेशन है, कैल्विन क्लाइन करवा चौथ कैल्विन क्लाइन। कि कैल्विन क्लाइन भी आप जीन्स पहन सकती हैं और उसके साथ में आप करवा चौथ भी करती हैं। हाँ, तो ये फैमिली वैल्यूज के साथ में जो एक मॉडर्न मतलब मॉडर्नाइज व्यक्ति, लेकिन मॉडर्न नहीं, मॉडर्नाइजेशन है जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, मॉडर्निटी इज जब दिमाग और दिल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। अभी ये जो पीछे जा रहे हैं सारे, तो मॉडर्निटी के लिए हमारे यहाँ पे कोई आज जगह नहीं है। और आपका दिमाग जितना छोटा उतने आज आप बड़े हैं। अगर आप विश्व की बात करते हैं तो आप छोटे हैं। अगर आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश में दोस्ती होनी चाहिए, तो आप राष्ट्रद्रोही है। अब तो मैं बहुत मजाक में लोगों को कहती हूँ कि आप ये जय जय कर करके जितने प्रांतों का नाम लेंगे ना, तो मैं जिस चौक में रहती हूँ ना, उस चौक का भी मैं अब जय बोलने लगूंगी। और मैं बोलने लगूंगी तो मुझे पता है कि उस पूरे चौक में मुझे जो है वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा माना जाएगा। मतलब जितना छोटा दिमाग उतना आज आप बड़े हैं, और आपका जितना बड़ा दिमाग और जितना बड़ा दिल उतना आज आप छोटे हैं। तो ये जो गोबेल्स का जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर था हिटलर का, ये लोग बहुत सयाने हैं, दे आर नॉट मैड। हिटलर बिल्कुल सेन था, बिल्कुल समझदार, उसकी समझ थी, सद्विवेक बुद्धि नहीं थी, सत्सद बुद्धि नहीं थी, सद्विवेक बुद्धि नहीं थी। बेवकूफ लोग नहीं है जो सरकार में आज बैठे हुए हैं, ये जान के सब कुछ जो है वो जान के कर रहे हैं। और इसलिए वो लफ्जों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो लफ्ज हमें फिर बाद में इस्तेमाल करने को हमें लगता है कि अरे इसको इस्तेमाल करें, इसमें कोई मतलब भी है। इस तरह से वो हमारे लफ्जों को लेके मरोड़ के, और कुछ जो लफ्ज है उनको मेनस्ट्रीम, उनको खींचा हुआ है, और कुछ कुछ को ऐसा किया हुआ है कि हमको लगता है कि अब हम सेक्यूलर नहीं, सिक्यूलर है, आप स्यूडो सेक्यूलर है, आप सिक्यूलर है, इस तरह का जो है वो अपने खिलाफ में बोला जाता है। अपने देश में आए तो पितृसत्ता दुनिया भर में और अपने भी मुल्क में कोई एक तरह की नहीं है। एक तरह जो है वो हरियाणा और यहाँ के खप पंचायत है जो बताएंगे कि आप कौन से गोत्र में शादी करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। अगर आप सगोत्र शादी करते हैं तो लड़की को और लड़के को राखी बंधवा रहे हैं, बहू को वहां पे बुला के उसका घूंघट उतार रहे हैं, बहू घूंघट करती है, बेटी घूंघट नहीं करती। पर इसमें और द्रौपदी में क्या फर्क है? बहू को आपने बेटी तो नहीं कहा, पर सबके सामने बुला के उसका घूंघट उठाते हैं पूरे गांव के सामने, तो उसको नंगा करने से अलग क्या हुआ ये? दूसरे दिन तो फिर वो घूंघट में जाके तो रोटियां बेलेगी, और फिर अपने पति को उसने राखी बांधनी है। तो ये सारा जो है ये खप पंचायत है। लेकिन आप ये ना समझे, कोई भी नहीं समझता, सब सयाने हमारे, सब हम साथी है कंधे से कंधे मिलाने वाले। लेकिन हर प्रांत में एक अलग किस्म की पितृसत्ता हमको दिखाती है, एक अनेक पितृसत्ताएं साथ में चलती है। आदिवासियों में विच हंटिंग है, जब भूखमरी हो जाती है तो जो औरत जिसका कोई बच्चा नहीं, जो औरत जिसने अपने पति को छोड़ा या पति ने उसको छोड़ा हुआ है, या किसी ने अपने महावारी के कपड़े धोए तालाब के पास में, तो फिर वो जो है वो भूताली कहते हैं हमारे इधर वहाँ पर, और मध्य प्रदेश में उसका नाम क्या, डाकिन, डाकिन कहते हैं। और वो करके जो है उनको इतना भयानक भयानक सजा दी जाती है जाट पंचायतों में, इतनी बोली भी नहीं जाती, इतनी भयानक और इतनी क्रूर सजा जो है उस उनको जो है वो दिया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं, अभी अपने मुल्क में कुछ जो है कम्युनिटीज उनमें फीमेल जेनाइटल कटिंग है। शबनम पूनावाला, अपने ताहिर भाई पूनावाला जो रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, उनका मुझे फोन आ गया परसों की, मनीषा तुम खड़ी रहोगी तो जरूर फीमेल जेनेटिक कटिंग की बात करना, भूलना नहीं इस बात को। तो आदमी का जो होता है सुनता जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन औरत की सुनता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब औरत की सुनता की जाती है तो उसके लैंगिकता के ऊपर डायरेक्टली पाबंदी आ जाती है। और इस तरह की महिलाओं की सुनता भी अपने देश में चलती है। बुर्का, हमारे गांव में
कोई बुरखा नहीं पहनता। लेकिन आज शहर में हम देख रहे हैं कि कम कम उम्र की लड़कियां जो है वो बुरखे में जा रही, इन स्पाइट ऑफ बुरखा वो अपनी जिंदगी जी रही है, वो बुरखा कैन नॉट बी जस्टिफाइड। बुरखा जो चढ़ाते हैं उनका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। लड़कियां बुरखे को इस्तेमाल करके आज कॉलेज में जा रही है, स्कूलों में जा रही है, अपने दोस्तों से भी मिल रही है, वो भी डर है घर के लोगों को कि पता नहीं अंदर क्या करेगी। बहुत सारे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ये इशू है। तो इसका जो है समाधान वो कोई बाहर से जवाब लाए ये नहीं हो सकता। जो भुगत रही है, जिसकी वो जिंदगी जी रही है, उसका सबलीकरण ही इसका समाधान है। तो हर जगह पे जहां पर औरतों के ऊपर अलग अलग जो पाबंदियां बैठी हुई है वो वहीं पे उनको सबल करके उन्हीं के पास से जवाब, वरना फिर मुजफ्फरनगर एक साथ होते हुए भी ट्रिपल तलाक के बारे में कानून आ सकता है। कानून में बुराई नहीं है, लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में सिर्फ तलाक ही सवाल है? शिक्षा सवाल नहीं है, स्वास्थ्य सवाल नहीं है, नौकरी सवाल नहीं है, ये सारे उनके लिए नहीं है जो बाकी महिलाओं के लिए है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को एक्सोटिसाइज करके उनको डंडा बना के मुस्लिम पुरुष को कैसे पीटना, ये एक तरफ की राजनीति। अखलाक है, जुनेद है, हमारे मोहसिन शेख हैं, मर्दों को तो मारा ही जाएगा, लेकिन औरतों का डंडा लेके कैसे मुसलमान आदमी को पीटना, कैसे हिंदू लोगों को ये बताना कि देखो अपने मुल्क में रह के, सुनते हैं हम अपने मुल्क में रह के इनको चार चार औरतें करने की इजाजत है, हमारी महिलाओं को देखते और हम इनकी महिलाओं को देख नहीं सकते। इस तरह से मत्सर रूपी जो है हम फॉर्मुलेशंस कई बार लोगों के सुनते हैं। तो एक तरफ दिखाना कि हम एक मजहब को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, किसको? सिर्फ मर्दों को। और बिगमी जो द्विपत्नित्व है हर सेंसस में, अभी तो उन्होंने गिनना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया, हर सेंसस में हिंदू बिगमी, हिंदू द्विपत्नित्व मुस्लिम द्विपत्नित्व से भी ज्यादा हमेशा रहा है। मुस्लिम 5.1% रहा और हिंदू जो है वो 5.8% रहा है। तो ये सारे जो झूठ जो है वो छुपा के एक किस्म की जो है वो सच्चाई के नाम पे हमको, साथ साथ में हम जैसे पितृसत्ता का निर्मूलन, उसी तरह से जाति व्यवस्था का निर्मूलन ये हमारा काम है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो अंबेडकर हमको बताते हैं। तुम ब्राह्मण रहो, तुम दलित रहो, साथ में खाना खाओ, ये नहीं चलेगा। वो ब्राह्मण इसलिए क्योंकि ये दलित है, ये दलित इसलिए क्योंकि ये ब्राह्मण है। साहिर लुधियानवी कहते हैं जो एक ये बन गया, अमीर बन गया तो 100 फकीर बन गए। तो वर्ग व्यवस्था का निर्मूलन भी हमारा काम है और पितृसत्ता का निर्मूलन भी हमारा काम है। मैं किसी मजहब में नहीं मानती, लेकिन मजहब का निर्मूलन वो हम बात नहीं करते क्योंकि हर मजहब को अपना मजहब प्यारा है। लेकिन जो हेजिमोनिक सिस्टम्स हैं, वर्चस्ववाद जला पण मराठी मध्ये म्हणतो, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, पितृसत्ता, ये इनहेरेंटली हायरार्कल है, इनहेरेंटली हायरार्कल है, और इसलिए इनके निर्मूलन के अलावा कोई हमारा एजेंडा नहीं हो सकता। और जब औरतें बाहर आती हैं, निकलती हैं, तो हमको बैकलैश वायलेंस दिखाई देता है। घर के अंदर तो 70% जो औरतें हैं उनके बलात्कार तो घर के अंदर होते हैं, 80-85% औरतें घर में मारी जाती हैं, 80-90% मारने वाले औरत के अपने रिश्तेदार होते हैं। तो कई बार तो हम लोग कहते हैं कि अगर औरत को सुरक्षित रहना है तो पहले मराठी में कहावत है 7 चाँद घर 7 रात के 7 शाम के 7 बजते हैं तो घर के अंदर आओ। तो हम कहते हैं सुरक्षित रहना तो 7 के बाहर, बिल्कुल घर के अंदर मत आना 7 के बाद। जितने आप बाहर सुरक्षित हैं उतने आप घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज जो आ रहा है कि औरत और मर्द, इनके जो स्पेसेस, अभी आपने जो जिक्र किया कि माँ जो है वो खाना बनाएगी और पिता जो है वो कमाएगा, वो चाहे कार्टून्स के जरिए हर जगह आपको वो दिखाई देगा। तो इसमें जो है आदमी को पब्लिक स्पेस और औरत को प्राइवेट से स्पेस, अगर हम लोग शाम को रात को जो है वो कहीं पे सड़क पे खड़े हो और अपनी तरफ कोई देखे तो हर औरत इंक्लूडिंग मी, ये अंदर से कंपल्शन आता है दिखाने को कि हम किसी काम से वहां पर खड़े। हम मोबाइल उठाएंगे, हम इधर उधर देखेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि देख रहे। एक बार मैंने वो कोशिश की क्योंकि मुझे कोई एक दोस्त ले जाने वाला था किसी और दोस्त के खाना बनाने के खाने के पे, तो ऐसे हो गया तो मैं देखने लगी तो गाड़ी आई मेरे सामने रुकी बंबई में,
और फिर वो गाड़ी पीछे रोल करते आए, मुझे पता चला कि गाड़ी नहीं है जो मेरे लिए आने वाली थी, मेरा दोस्त नहीं था उसमें, गाड़ी पीछे और दो आदमी थे आपस में कुछ बोलने लगे, तो मेरे तो एंटेना खड़े हो गए। तो फिर एक आदमी मुझे पूछने लगा कि आएंगी, आएगी, आओगी? तो मैंने कहा नहीं आऊंगी। तो उसने कहा को सॉरी मैडम, मैंने इनको बोला कि आप वैसी नहीं है। मैंने कहा मैं वैसी हूँ लेकिन मैंने नहीं कहा ऐसी वैसी की बाइनरीज मैं नहीं समझती, पर मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको समझना चाहिए कि नहीं का मतलब नहीं होता है, चाहे कोई भी औरत हो जो है वो कहे। तो औरत अगर पब्लिक स्पेसेस में हो तो उसको जताना पड़ता है कि वो बाहर क्यों है, और आदमी अगर रसोई घर में है तो उसको जताना पड़ता है कि वो वहां पे क्यों है। ये जो आर्टिफिशियल स्पेसेस, कई मर्द मुझे मालूम है, कई मेरे मर्द दोस्त जो इतना बढ़िया खाना बनाते, मेरे घर में तो हर मर्द जो अभी तक मेरे पिता है, मेरा साथी है, मेरे बेटे, सब सभी खाना बनाते हैं। लेकिन अगर आदमी खाना बना रहा हो तो बाहर औरत चैन से बैठ नहीं सकती, चैन से बैठ नहीं सकती, उसको कहीं इर्द गिर्द इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। जैसे कि औरत घर के बाहर हो तो मर्द को लगता है कि मुझे उसके इस इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। तो ये जो आर्टिफिशियल डिवाइड्स बनाए हुए पब्लिक और प्राइवेट स्पेस के, तो ये हमें जानना है कि पितृसत्ता बाहर भी है, पितृसत्ता अंदर भी है, और ये दोनों पितृसत्ताएं एक के साथ में हाथ में हाथ डाल के जो है वो राशन कार्ड का, अगर आप रहेंगे जो परिवार के प्रमुख रहेंगे तो राशन की दुकान पे जब कोई दस्तखत लगेगी तो आपको करनी पड़ेगी। छोटा सा देखिए, 18 साल लड़की को, 21 साल लड़के को, ये क्या पितृसत्ता नहीं है? जब लड़का 18 साल में सरकार बना गिरा सकता है तो अपनी जिंदगी के निर्णय क्यों नहीं ले सकता? वो ये अपने धर्म निरपेक्ष और अपने इक्वालिटी वाले देश में भी लड़का जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, लड़की की कोख बस बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो जब उसी में 3 साल का हम फर्क रखते हैं तो हम लेजिटिमाइज करते हैं कि लड़की हमेशा कम उम्र की होगी, लड़की इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगी लड़के के ऊपर। मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि हमें कई बार जो है वो ये बातें जो है वो ऐसे लगता है कि ऐसे तो होता है, ऐसे कहीं दुनिया में नहीं है कि दोनों के लिए जो है वो नहीं, कहीं दुनिया में होगा पर आमतौर पर किसी भी सिविलाइज नेशन में इस तरह का नहीं है। अब आप सवाल पूछना है कि जब बैकलैश आता है, जब लड़की को मारा जाता है या प्रतिलोम शादी की तो फिर लड़के को मारा जाता है, दलित हो, मुसलमान हो, रिजवानूर जो है वो अपने को सड़क की पटरी पे मिल जाता है, ट्रेन की पटरी पे मिल जाता है, लक्स वाले अंडरवेयर वालों की जो वो अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, तो रिजवान को मारना जो अंदर की बात थी उनकी, तो अगर मुसलमान लड़का हो, अगर दलित लड़का हो तो वो जरूर मारा जाएगा। यवतमाल में अगर दलित लड़का या ओबीसी लड़का सवर्ण लड़की की तरफ देखता है तो उसके और उसके दोस्त की आंखें निकाली जाती है कि औकात तुम्हारी कि हमारी लड़कियों की तरफ तुम देखो। तो ये क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर जो है वो सारी लड़कियों के ऊपर तो होते ही हैं, और जब हम इस वायलेंस को, स्ट्रक्चरल वायलेंस जिसको बोलते हैं, मतलब जो 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 पूरे सारे ये व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर की जो हिंसा को अगर हम मानते हैं, तो फिर उस वक्त लड़की का मोबाइल लेना, उस वक्त लड़की की पढ़ाई बंद करना, उस लड़की को डांटना मारना, ये समाज मान्य हो जाता है। और इसलिए पुलिस, अभी हदिया की केस है, वो 24 साल की है लेकिन उसके गार्डियंस जो है वो उसके पेरेंट्स को माना जाता है कि शी इज अ वीक माइंड, इस तरह का। तो ये सारे बैकलैश वायलेंस है। तो अब उसके बाद सवाल आता है कि फिर स्त्रीवादी की जरूरत है क्या फेमिनिज्म की? तो वो तो रेटोरिक क्वेश्चन हो गया। पितृसत्ता ना हमने बाहर से लाई, हमारी अपनी भी है, बाहर से है, तो फेमिनिज्म स्त्रीवाद जो है ये सिर्फ बाहर से क्यों? जहां जहां पितृसत्ता है वहां वहां स्त्रीवादी दृष्टिकोण जरूरी है, और बाहर से तो कई चीजें, हमारे तो अंबेडकर ने खुद कहा था कि हम बाहर से लाए हुए बीज यहां पे बो रहे हैं इस संविधान के, पता नहीं वो पनपेंगे कि नहीं पनपेंगे। तो डेमोक्रेसी भी तो बाहर से आई हुई है, कई चीजें बाहर से आई हुई है, तो इसलिए बाहर से कुछ आया इसलिए वो खराब नहीं। और हमारे देश में अपने आप, शांता तई आपको हमेशा बताएंगी कि यहाँ फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की जब कोई रखता है, ऐसे भारत में था ही नहीं, 1,00,000 औरतें इकट्ठा कर पाए हैं सीपीआई के थ्रू 1940s में अरक शराब के खिलाफ वहां पर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए यहाँ ऐसा फर्स्ट और सेकेंड वेव रहा नहीं है।
तो फेमिनिज्म की जरूरत वहां वहां है जहां जहां पितृ सत्ता है. तो ये फेमिनिज्म किस जानवर का नाम है? वो उस जानवर का नाम है जो पितृ सत्ता के खिलाफ आंदोलन करता है. तो पितृ सत्ता क्या है? मर्दों को और औरतों को समान ना मानना और घर और पूरे समाज की व्यवस्था को इस तरह से प्रस्थापित करना कि जिसमें मर्द होने से आपको फायदे ज्यादा मिलते हैं. ये पितृ सत्ता है. और स्त्रीवाद ये है कि ये मानता है कि मर्द अपने आप में बुरा नहीं है. सारी निकलती एक ही जगह से, कोई कहीं और से नहीं आता. लेकिन बड़े होने पे जिस तरह से हम उनको तैयार करते हैं कि तुम्हें चलाना है घर और तुम्हें घर के अंदर का काम करना है, ये जो है व्यवस्था, इस व्यवस्था का नाम पितृ सत्ता है. ये व्यवस्था गलत है, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए. ये जो कोई मानता है ये स्त्रीवादी है. जो मैं समझू इतने सालों से इतना ही समझू और समाजवाद में इतना ही समझू कि गरीब और अमीर होना, आर्थिक जो है गैर बराबरी होना, ये कोई ठीक नहीं है इंसानों की दुनिया में. और ये गैर बराबरी को दूर हमें करना चाहिए, तो ये समाजवाद हो गया. और अगर आप लोगों की ताकत से, अगर आप जनतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो जाता है. और अगर हम दोनों को इकट्ठा करते हैं तो फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो आ जाता है. और मेरे जो अभी का जो होगा, ये तो सेकंड पार्ट होगा, तो फिर स्त्रीवादी सोशलिस्ट फेमिनिज्म या समाजवादी स्त्रीवाद जो है, ये आज के दुनिया के लिए, अपने देश के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, इसके बारे में कुछ 3-4 मुद्दे मैं रखूंगी. अब फेमिनिज्म की एक मजेदार बात है जो अच्छाई भी है, थोड़ा बहुत शराब हर चीज में. लोग कहते हैं ना 100 साल जियोगे तो ऐसे लगता है कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन मेरे सारे प्यारे मर जाएंगे तो ये 100 साल जी के मैं क्या करूंगी. हाँ, तो ये सारा जो है तो उसी में जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है. आप कोई कुछ किसी को भी गुड विशेस भी दो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं. तो एक किस्म का फेमिनिज्म है नहीं. लेट अ 1000 फ्लावर्स ब्लूम, ये माओ ने कहा था. लेट अ 100 फ्लावर्स ब्लूम, 1000 फ्लावर्स ब्लूम. एक किताब नहीं है, एक किस्म की सोच नहीं है, एक लीडर नहीं है. ज्यादा स्वायत्त है, ज्यादा ऑटोनोमस है दलों से, पितृसत्ता से, भांडवली व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से. इस सबसे ऑटोनोमस है, अपना स्वायत्त है. और यहां अपना पॉलिटिक्स जो है हम इकट्ठा करेंगे. तो ये अलग अलग किस्म के फेमिनिज्म है. और एक फेमिनिज्म को दूसरे फेमिनिज्म ने कई बार जो है वो चैलेंज भी किया है. अमेरिका में जिनका जिक्र जो आज भाई वैद्य ने कहा, वो कवि लेखिका और कवियत्री माया एंजेलू की जो किताब है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, वो है से लेके कई कई लोग, एंजेला डेविस से लेके, एंजेला डेविस तो ऐसा है कि पूरा वर्ग और रेस और इसका पितृसत्ता इनका तो इतना बेहतर एनालिसिस रहा है. तो वहां पर जो कृष्णवर्णी औरतें हैं, ब्लैक, ब्लैक एज इन पावरफुल, ब्लैक ब्लैक औरतों ने जो किया है वहां पर संघर्ष, उन्होंने कहा कि गोरे औरतों का जो है पितृसत्ता, गोरे औरतों की जिंदगी में पितृसत्ता अलग है और हमारे ऊपर जो है उनकी भी है और हमारी भी है. और ये आप कह रहे तो सारे समझ के जो है वो अपना सिर हिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि वही बात है दलितों के बारे में और वही बात है अपने अल्पसंख्यक, विशेषकर अपने मुस्लिम बहनों के साथ. मेजॉरिटी का पितृसत्ता भी और माइनॉरिटी की पितृसत्ता दोनों पिसती है उस औरत को. और इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश में भी जो दलित फेमिनिज्म के नाम पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं हम जैसे सवर्ण महिला आंदोलन की कार्यकर्ताओं को, मैं मानती हूं कि इसका सेलिब्रेशन करना चाहिए. क्योंकि अगर इस स्पेस में जैसे ब्लैक औरतों ने कहा कि द व्हाइट मूवमेंट अनलेस स्पेसिफाइड, द वुमेन्स मूवमेंट अनलेस स्पेसिफाइड इज व्हाइट एंड द ब्लैक मूवमेंट अनलेस स्पेसिफाइड इज मेल. नारी आंदोलन, आप जब तक अपवादात्मक बात नहीं करेंगे, वो सवर्ण है यहां पर
और दलित मूवमेंट जो है वो नहीं करेंगे तो मर्दों की है, तो दलित औरत करेगी क्या? तो इन दोनों मूवमेंट्स के सेंटर स्टेज में औरत कहां से आएगी? ये मुझे लगता है कि स्त्रीवादी दृष्टिकोण जो है, फेमिनिज्म जो है, ये इन सवालों को एनकरेज करता है, इन सवालों को दबाने की कोशिश नहीं करता। तो फिर से अगर हम समाजवादी स्त्रीवाद पे आते हैं, जनतंत्र और समानता, सिर्फ जनतंत्र नहीं चल सकता, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, और डेमोक्रेसी में मेजोरिटेरियनिज्म भी नहीं चल सकता। पूरा गांव सोचता है कि इसको लिंच करना है, दैट विल नॉट डू। तो इसलिए हमको लोकतंत्र और समाजवाद के साथ में समानता भी चाहिए, और उसके साथ में हमको स्वतंत्रता भी चाहिए। कोल्ड वॉर के दिन निकल गए कि एक जगह पे आपको सिविल पॉलिटिकल राइट्स थे, दूसरी तरह आपको जो इकोनॉमिक सोशल राइट्स थे। हमें ये नहीं चाहिए दुनिया, हमें वो चाहिए कि औरत के हर क्षण के, हर पल के, हर सिरे के, हर जिंदगी के, और हर औरत के हर हिस्से का, हर हक जो है उसका संवर्धन होता रहे। और ये नहीं कि 10 से 11 आपके स्वास्थ्य के अधिकार है और 11 से 12 आपके पढ़ाई के अधिकार है। लोगों की जिंदगी ऐसे नहीं रहती। तो इसलिए हर पल, हर हक जो है उसका एक्सेस और उसका जो है उसका अनुभव लेना, ये जो है ये समाजवादी स्त्रीवाद मानता है। ये मानता है कि सिर्फ पितृसत्ता अपना नहीं है, व्यवस्था ये दुश्मन नहीं है, पूंजीवाद कैपिटलिज्म भी है, उसके साथ में वर्ण व्यवस्था भी है, वर्ग व्यवस्था भी है, उसके साथ में विषमलिंगीवाद, विषमलिंगवाद जो है कि आदमी और औरत ही गर्भ बसाएंगे, सारा जो होगा आपकी जो शादी होगी वो इसी तरह की होगी, आपको सब कुछ लोन्स जो मिलेंगे वो आपको इसी, पहले तो आप शादी करेंगे तभी आपको मिलेंगे, आपको लिव इन रिलेशन में तो मिलेंगे नहीं, उसके बाद में ये विषमलिंग जिसको हेटरोनॉर्मेटिविटी कहते हैं, ये सारी जो बातें हैं इनको जब तक हम साथ में नहीं इससे टक्कर लेते, तब तक हमारा समाजवादी स्त्रीवाद जो है वो अधूरा सा ही हो जाता है। तो वी आर डिफरेंट बट इक्वल, विविधता है, ये विविधता है, हम विविध है लेकिन हम जो है वो, मुझे याद है बचपन में कहते थे, अरे हमारे घर में तो समाजवादी वातावरण था और ट्रेड यूनियन का था, लेकिन थोड़े से आसपास के रिश्तेदारों में, अरे हम हाथ ऐसे धोते हैं, वो हाथ ऐसे धोते हैं, हमारी मूछें होती हैं, उनकी दाढ़ी होती है, हमारी चोटी अंदर होती है, उनकी चोटी बाहर होती है। फिर मैं पूछती थी तो फिर क्या, उसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर डिफरेंस इटसेल्फ इज हायरार्कल, डिफरेंस इटसेल्फ इज बैड, और डिफरेंस में वो इंफीरियर है। बस बता दिया कि वो है और हम है, और अदरिंग में क्या हो जाता है, हम हर दंगे फसाद में देखते हैं, और पुरानी जो हमारी थे सपने 70 साल की, सारी जो मेरी यहाँ पे बैठी हुई है फेमिनिस्ट सारी सहेलियां, हम मानते थे सारा सिस्टरहुड सॉलिडैरिटी, वो सपने हमारे शाहबानों में टूटे, वो हमारे झूप कवर के टाइम पे टूटे, वो हमारे बाबरी के टाइम पे टूटे, वो हमारे सूरत और वो हमारे गुजरात के टाइम पे टूटे, जहां पे औरतें सिर्फ साड़ी थी शायद इसलिए बाबरी के ऊपर नहीं थी तोड़ने के लिए, पर वहां पर थी। गुजरात में रेप करो इसमें औरतें थी, और इसलिए यू आर नॉट मॉरल बिकॉज यू आर बॉर्न विथ अ यूट्रस, मेरे अंदर गर्भाशय है तो मैं नैतिक नहीं बन जाती हूं। अमेरिकन जीआईज जो औरतें हैं वो इराक की मरे हुए मर्दों के मुर्दों के साथ में उनके लैंगिक जो है पार्ट्स उसके साथ में जो है वो बदतमीजियां करते हुए फोटोज और वीडियोस वायरल हो गई है। तो ये बात सत्ता की है दोस्तों, और इसलिए पितृसत्ता को रिप्लेस करके मातृसत्ता लाना है, बिल्कुल नहीं। हमें रिश्तों में सत्ता नहीं चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए। और जब ये, अगर आज मातृसत्ता होती तो हम मातृसत्ता के लिए जरूर यही सम्मेलन लेते जिसमें हम मातृसत्ता के खिलाफ यहां पे बोलते। पुरानी कई मातृसत्ता के हैं पर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो आज की पितृसत्ता का टेम्पलेट नहीं है, अलग किस्म की थी। पर फिर भी हमें किसी की भी सत्ता नहीं चाहिए रिश्तों में, रिश्तों में हमें प्यार चाहिए, रिश्तों में हमें विश्वास चाहिए। हमारे घर जाते हुए हमारे कदम इसलिए जल्दी तेज हो जाए कि वो घर हमें बुलाता है, इसलिए नहीं हम भागे क्योंकि वो घर हमें डराता है। इसलिए जो है इस तरह के हमें रिश्ते हमें चाहिए। अब जो है अंत के मेरे एक दो पॉइंट्स जो है कि हर औरत को
अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे और पितृसत्ता के साथ में हम अलग अलग जो है व्यवस्थाएं इनको हम ना करें तो आगे हम नहीं जा सकते। अंबेडकर जी ने कहा कि कास्ट इज एंडोगैमी एंड एंडोगैमी इज कास्ट, वीमेन आर द गेटवे टू द कास्ट सिस्टम, औरतें जाति व्यवस्था का प्रवेश द्वार है, हमारी योनि जाति व्यवस्था का प्रवेश द्वार है। और इसलिए जब हम इंटरकास्ट शादी करते तो कहते कि हमारे पास नहीं थे क्या, पूरे पूरे हमारी जाति का इमैस्कुलेशन हो जाता है। मैंने सुना है गांव की भाषा में, क्या उस जाति के लिंग सोने के हैं क्या? मैंने सुना, अपने आंखों से सुना, अपने कानों से सुना हुआ ये, तो पूरे समाज का इमैस्कुलेशन हो जाता है जब लड़की दूसरे जाति में या दूसरे धर्म में जाके जो है वो विवाह करती है। तो इसलिए अगर हम जाति व्यवस्था को, विशेषकर वर्ग व्यवस्था तो आती है, अगर हम ना करें तो जैसे अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट इज एंडोगैमी, एंडोगैमी मतलब आप उन्हीं कुछ जो है वो किनशिप्स आप उन्हीं में शादी करेंगे, उसके बाहर आप कर नहीं सकते। तो ये जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़े तो पितृसत्ता वही रहेगी, हम पितृसत्ता के खिलाफ लड़ेंगे तो जाति व्यवस्था रहेगी। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज होती है और लड़की जो है वो लड़के की जाति है, लड़के के मजहब का पालन करती है, तो पितृसत्ता कहां से गई? ना ही जाति व्यवस्था गई। और अगर हम जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करते करते अगर हमारे घर में, हमारे संगठनों में, सब जगह पे पितृसत्ता है, तो फिर वो कहां से गया? तो जरूरी है कि सारे आंदोलन अब हाथों में हाथ डाल के, भाई वैद्य ने कहा, गुड्डी ने उसको दोहराया इसे कि अगर सारे लोगों को जब हम इकट्ठा आते हैं तभी इन अ सेंस समाजवादी स्त्रीवाद जो है वो आगे चला जाएगा। और इसलिए पर्सनल एथिक्स से लेके पॉलिटिकल एथिक्स, क्योंकि एक दूसरा जो डिफरेंट बट इक्वल जो स्त्रीवादी आंदोलन ने दिया नारा, उसके साथ में पर्सनल इज पॉलिटिकल भी नारा दिया। मेरा आदमी शराब पीता है इसलिए मुझे पिटाई नहीं करता, गांव में घूमते घूमते सरपंच मिलता है तो उसके सामने बहुत ज्यादा ड्रामा करता है, जमीन पे लेटता है, सब कुछ करता है, पर उसको घर पे आके पत्नी जरूर पता चलती है कि ये पिट सकती है। और औरत जो है उसको बच्चे मिलते हैं पिटने के लिए, पर 3 साल के बेटे को औरत पीट सकती है, 30 साल के बेटे को नहीं, क्योंकि फिर पावर रिलेशंस है। तो इसलिए नारीवादी आंदोलन ने हमको जो लेंसेस दिए वो पावर, सत्ता और कंट्रोल, नियंत्रण के, हर एक्शन को आपके, आप किसी के साथ में पर्सनल व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी के साथ में संगठनात्मक व्यवहार कर रहे हैं, आप समाज में बात कर रहे हैं, आप इसको जो है वो पावर और कंट्रोल के लेंसेस लगाओ। हमारे हर एक के पास पावर है, आज मेरे पास पावर है, ये दिस इज द पावर, तो बी कॉन्शियस ऑफ द पावर। और जितनी पावर को आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, जितना आप लोगों के बिहाफ पे ना अपने पर किसी और के, ऐसे लोगों के मुद्दे उठाइए कि जो आपकी जिंदगी को टच ही नहीं करते, और ऐसे लोगों के मुद्दे उठाइए कि जिसमें आपको जो है वो कुछ देना पड़ेगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो, हम गांधी कहते थे, जेपी कहते थे, सारे अंतिम व्यक्ति अंत्योदय, तभी जो है वो वहां पर हो जाएगा। तो अगर हम इस सबको कुछ करना चाहते हैं तो हमारे तरीके उनके तरीके नहीं हो सकते ना, हमें मार डाल सकते हैं। आज मेरे जैसा कोई है जिंदा जो है वो कोई थ्रेट नहीं है, मर जाऊंगी तो यहां 300 के बदले 3000 आ जाएंगे लोग, है ना, तो वी आर मोर डेंजरस डेड देन अलाइव, हाँ, इसलिए नहीं मारते हमको सरयाम, आ जाएगा दिन जब मार डालेंगे, पर अभी इतना तो नहीं करते कि हर एक जो बोलता है उसको मारते। पर वो हमको कब मारते हैं? जब उनके तरीके हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमें मारने की जरूरत ही नहीं है, वो जीत जाते हैं। अगर हमारे मीन्स उनके जैसे हो, हमारे काम में फरेब हो, हमारे काम में डायकोटमी हो, कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे हर एक की जिंदगी में है, लेकिन हम उन कॉन्ट्रडिक्शंस को जस्टिफाई करने लगे, हम ये कहने लगे कि नहीं नहीं तरीका तो इसी तरह का होता है भाई, वो लोकतांत्रिक वो तो सब ठीक है, लेकिन यहां तो हमको एकदम अथॉरिटेरियन डिसीजन ही लेना पड़ेगा, नहीं चलेगा बहना, नहीं चलेगा भैया। वो आदमी जो है वो घर पे पिटाई करता है, लेकिन अब यूनियन की इतनी बात ऐसे आके पहुंची है ना आंदोलन के मकाम पे कि अब डोमेस्टिक वायलेंस का इशू मत निकालो। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है पर अदरवाइज इज अ गुड मैन,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको आत्मपरीक्षण करना है। हमारे यहाँ पे औरतें कौन सा काम करती है, निर्णय कौन लेते हैं, हमारी संस्थाओं के अंतर्गत, आप एनजीओ हैं, हम संगठन हैं, हम जो भी हैं, इसके अंदर हमको पहले ये आत्मपरीक्षण करना पड़ेगा कि हमारे तरीके जो हैं, गांधी ने कहा था मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड, डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। और मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हमारे तरीके, गांधी ने फिर ये कहा था देयर इज नो रोड टू पीस, देयर इज नो रोड टू पीस, पीस इज द रोड। वही है मार्ग आपका, और जो है अंत वो आपका वही है। और अगर हम इस तरह से काम करेंगे जहां पे सब मिलजुल के, फेमिनिस्ट लीडरशिप बहुत आसान है, मर्दाना लीडरशिप बहुत मुश्किल है। मर्दाना लीडरशिप पे आप तो सीढ़ी पे खड़े हैं, सीढ़ी पे एक ही खड़ा रहता है, या तो ऊपर है या तो नीचे है, और नीचे से किसी ने हिला दी तो सारे के सारे गिर गए। फेमिनिस्ट लीडरशिप क्या है, सिट बैक एंड स्टेप आउट। गोले में बैठे 10 औरतें हैं और 5 बढ़ गई, एवरीवन स्टेप आउट स्टेप बैक, तो 5 के लिए जगह होगी। तो ये नए जो मॉडल्स हैं, जितने पॉसिबल नॉन हायरार्कल मॉडल्स हैं, ये हमारे घर के अंदर से लेके हमको हर जगह पे जो है ये टटोल के करने चाहिए। और अंत में जाके आखिर में ये मैं कहती हूं कि हमारा जो पूरा समाज है, हम किसकी निर्मिति के लिए कर रहे हैं? हम जब अन्न अधिकार आंदोलन के लिए सड़क पे बैठते हैं तो इसलिए बैठते हैं कि हमारे नाते पोते, मैं बायोलॉजिकल नहीं कह रही हूं, मैं सोशल कह रही हूं, उनको नहीं बैठना पड़े। तो हम एक सुंदर जग के निर्माण, सुंदर दुनिया के निर्माण में हम लगे हुए, तो इसलिए हमारे पूरे पॉलिटिक्स में प्यार होना, एक दूसरे के लिए समझ होना, एक सुंदरता होना, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे में बहुत कम है। हम जितना मजाक दूसरों का उड़ाते हैं उसका 1/10 मजाक भी हम सह नहीं सकते, नहीं सह सकते। और हमें अपने ऊपर भी जो है, एक्चुअली तो मैं कहती हूँ, हम कल ही रात को हंस रहे थे ना कि हम अखिल भारतीय समाजवादी परिवारों के बच्चों का सम्मेलन करें ना, तो फिर तो मैं तो हमेशा कहती हूँ ऐसे होगा तो मुझे एक दूसरे दिन बुरखा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि शक्ल दिखाने के लायक मैं नहीं रह जाऊंगी अगर बच्चे हमारे आके हमारे बारे में यहाँ से बोलते हैं तो, ऐसे हमारे उड़ाएंगे ना घर के अंदर जो चलता है। तो इसलिए ये सारी बातें, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल धज्जा धज्जा उड़ाएंगे हमारे सबकी जो है वो इधर, अगर हमारे बच्चे आके बात करते हैं तो, हाँ, तो ये सारी बातें हमको बहुत जरूरी है। लव, कंपैशन, रीजन, ये सारी बातें, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत जरूरी है। और जो ये समरसता की बात करते हैं, ये समरसता हमें नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। समरसता मतलब देयर इज वन और उसमें आके सारे मिले, हमको जो है विविधता चाहिए, हमको समानता चाहिए। और ये सारे अलग अलग जो है पॉलिटिक्स आइडेंटिटी के, इनका मैं स्वागत करती हूँ। हम इनसे बहुत सीखे, वुमेन विद डिसेबिलिटीज से हम बहुत सीखे, एलजीबीटी राइट्स के मूवमेंट से हम बहुत सीखे, दलित औरतों के सब हम बहुत सीखे, मुस्लिम औरतों के आंदोलनों से हम बहुत सीखे। अब उसमें जो है वो अकेले बैठना पड़ता है, क्योंकि नारी आंदोलन के बहुत शुरुआत में मर्द अगर आ गए तो, क्योंकि मर्दाना नजरिए से औरतें अपने आप को देखती हैं, वो पेट्रियार्कल पॉलिटिक्स आएगा तो अकेले बैठना पड़ता है। इसलिए एलजीबीटी ग्रुप्स को बैठना पड़ेगा, हर आइडेंटिटी के ग्रुप को अलग बैठना पड़ेगा अपना को फॉर्म्यूलेट करने के लिए। लेकिन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूजनरी में बहुत फर्क है। मैं अगर को मर समझ ही नहीं सकते औरतों की बात को, ये गलत है। ये अगर हो गया तो फिर तो क्या है, सबको खड़ा रखो, गोली मारो, उड़ा दो सबको, है ना? तो ये जवाब नहीं है। और इन सबको जो है हमारी मुख्य धारा में हम नहीं लाए, मुख्य धारा ये बन जाए और हम इस मुख्य धारा में कैसे कूदे, ये हमारे लिए लगता है बहुत चुनौती है। और इसमें समरसता ना होते हुए समानता जो है, और वो लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पद्धति से, और पितृसत्ता, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, हेटरोनॉर्मेटिव, इन सबके खिलाफ हमारा आंदोलन कैसे हो, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे तो लगता है कि इसमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और ये एक जवाब, एक गहरा, एक तगड़ा जवाब आज के पूरे व्यवस्था को हो सकता है। जिंदाबाद।
धन्यवाद मनीष।